यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी यूज टू से इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड कॉन्स्टेंट लीनियर वेलोसिटी, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल वुड बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ओमेगा इज कॉन्स्टेंट एंड वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, हम इसे वेलोसिटी नहीं कहें, इट्स लीनियर स्पीड, इट्स स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग द कर्व्ड पाथ, दिस वी इज इन फैक्ट अ लीनियर स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। एक कर्व्ड पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं कही जाएगी, उसकी लीनियर स्पीड कॉन्स्टेंट कही जाएगी, दिस वी इज अ लीनियर स्पीड। यदि पार्टिकल कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में है, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वह सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम उस पार्टिकल की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन सर्कुलर मोशन, इफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एंड लीनियर स्पीड इज ऑल्सो वेरिएबल, हियर ओमेगा इज वेरिएबल with time and linear speed v is also variable with time. In that case, such a motion is termed as non-uniform सर्कुलर मोशन। अब मैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ग्राफिकली इस कंसेप्ट को समझा देता हूं। वी यूज टू से और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगल विथ टाइम फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस ओमेगा वुड रिमेन अ कॉन्स्टेंट, टाइम के साथ बिल्कुल भी ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। वाइल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, इट्स लीनियरली इंक्रीजिंग। हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाय dt और d theta is omega dt, I may integrate it on both the sides, मैं इसे दोनों साइड से इंटीग्रेट कर सकता हूं। इंटीग्रल ऑफ d theta is इंटीग्रल ऑफ omega dt, मैं जब इंटीग्रेट करता हूं तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को जरूर लिखता हूं।
इनिशियली लेट अस से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जैसा कि ग्राफ में भी मैंने ले रखा है, एंड फाइनली आफ्टर टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा फ्रॉम जीरो टू टी टाइम। अब ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए इसे इंटीग्रल साइन के बाहर लिखेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर दिखेगा, और डी थीटा का इंटीग्रल इट्स थीटा फ्रॉम जीरो टू टी फ्रॉम जीरो टू थीटा एंड ओमेगा एंड इंटीग्रल ऑफ डी टी इज टी फ्रॉम जीरो टू टी। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा है एंड दिस थीटा इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू थीटा, ओमेगा इंटीग्रल साइन के बाहर है, डी टी का इंटीग्रल टी हुआ फ्रॉम जीरो टू टी, सो थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी माइनस जीरो और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बढ़ता ही चला जाएगा टाइम के साथ लीनियरली, इनिशियली वह जीरो है तो वह लीनियरली इस तरह से इंक्रीज होता ही जा रहा है। ओमेगा कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, वह कांस्टेंट लीनियर स्पीड के साथ में घूम रहा है। इस तरह की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक फैन जो काफी लंबे समय से ऑन है और जो अभी आपके सर के ऊपर घूम रहा है, उस घूमते हुए फैन की इस समय जो कंडीशन है उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कहोगे। उसमें ना तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, वह इस समय कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और वह धीरे धीरे कम होते हुए फाइनली रुक जाएगा। यदि आपने रेगुलेटर से उसकी स्पीड बाई 2 पॉइंट से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट पर ले गए तो उसकी कुछ समय के लिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मगर यदि फैन लंबे समय से ऑन है तो उस फैन में किसी भी पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वह सर्कुलर मोशन है और वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अभी हमें बड़े डिटेल में समझना है, पर उसके पहले क्यों ना हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जरूर समझ लें। देखिए, हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा समय के साथ चेंज होने लगे तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज विद टाइम, एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक फैन जो रेस्ट पर है उसको आपने जैसे ही स्विच ऑन करा और वो जैसे ही घूमने लगा, घूमता हुआ वह फैन उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगी। बढ़ती हुई यह एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या ऑलरेडी एक घूमता हुआ फैन है उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगी, कम होती हुई यह एंगुलर वेलोसिटी, इसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।